वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूट्यूब राजा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो वैक्यूम क्लीनर हमने ऑर्डर किया था वो कैसे काम करता है, कार में कैसे लगाते हैं, इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी लाल सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों गाड़ी में जाके देखते हैं कैसे वैक्यूम क्लीनर काम करता है। दोस्तों इस वैक्यूम क्लीनर को मैं यहाँ पर टेस्ट कर रहा हूँ। ये रहा वैक्यूम क्लीनर और ये मारुति सुजुकी इको है और इसमें चार्जिंग पॉड पहले से लगा है तो मैं उसे निकाल दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं वैक्यूम क्लीनर का जो 12 वोल्ट का पिन है उसे मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। सॉकेट में लगा देने के बाद आपको वैक्यूम क्लीनर में जो स्विच रहता है उसे ऑन कर देना है। तो मैं यहाँ ऑन करके चेक कर रहा हूँ कैसे इसमें काम करता है या नहीं। तो ये डायरेक्टली ऐसा ठीक से काम नहीं कर रहा है तो मैं इसमें एक्स्ट्रा कनेक्शन जो दिया है उसे मैं इसमें लगा के देख रहा हूँ कैसे काम करता है। तो यहाँ मैं लगा दिया हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ एसी भी देखता हूँ कि एसी में काम करता है या नहीं। तो यहाँ पे एसी का जो मेल है इसमें आता नहीं है। तो अब हम इसे नीचे चेक कर रहे हैं। नीचे जो यहाँ पर मेल है यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ ड्राई वाला जो है सूखा बालू उसी को ये इसमें टान सकता है, खींच सकता है और वेट जो वाला जो है उसको ये नहीं ले पा रहा है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी लाल सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आप हमारा हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।